जेडीएस किचन चैनल में आप सभी स्नेहजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम मुंबई का स्ट्रीट फूड, मुंबई का फास्ट फूड पाव भाजी बनाएंगे। दोस्तों, पाव भाजी का ऑथेंटिक टेस्ट के लिए अगर आप मेरी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खाओगली जैसी टेस्टी पाव भाजी अपने घर पर ही बना सकते हो। मगर इस मजेदार पाव भाजी बनाने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी कमेंट्स किसी अवार्ड से कम नहीं, तो कमेंट्स जरूर करें। तो चलिए बनाते हैं मुंबई का फास्ट फूड पाव भाजी। दोस्तों, सबसे पहले सिर्फ 2 मिनट में इस चाकू की धार को तेज करेंगे। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पर ही इस चाकू की धार को तेज कर सकते हो। आपको सिर्फ चाय के कप को उल्टा करके अपने चाकू को 2 मिनट तक घिसना है, जैसे मैं करता हूँ। दोनों तरफ से चाकू को घिसना है और आपके चाकू की धार तेज हो गई। चलिए टमाटर को काट कर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर कितने आसानी से कटते हैं। इन टमाटर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसी तरह से हम कैप्सिकम को और प्याज को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने 2 टमाटर, 1 कैप्सिकम और 3 प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये भाजी पाव की सामग्री 4 लोगों के लिए है। काश्मीरी लाल मिर्च को गर्म पानी में भिगो कर रखा है और उसके साथ साथ 20-25 लहसुन की कलियों को हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। हमारी गार्लिक और रेड चिली की पेस्ट तैयार है, बहुत बढ़िया कलर। अब एक पैन में करीब 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसके साथ साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर आपको बटर ज़्यादा पसंद है तो ऑयल की जगह पर सिर्फ बटर का ही इस्तेमाल करें। आप अपनी पसंद के हिसाब से बटर का इस्तेमाल करें। आपका बटर जले नहीं, इस बात का ध्यान रखें। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज के बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम को डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली और गार्लिक की पेस्ट डालकर मिक्स कर लेंगे। इस भाजी को बनाते वक्त आंच को धीमी रखें और अब डालेंगे ये हरी चटनी। इस चटनी को हमने हरी मिर्च, धनिया, नमक और थोड़ा सा अदरक डालकर बनाई है। उसको डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। अब इसमें टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और बीटरूट को ग्रेट करके डालेंगे, जिसको हमने स्टीम कुक कर लिया था। स्वादानुसार खड़ा नमक डालेंगे और मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल ग्रेवी से अलग हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हरे मटर और उसके साथ साथ फूल गोभी डालेंगे, जिसको हमने उबाल कर रखा था। मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और हल्का सा मैश कर लेंगे। उबले हुए आलू के टुकड़े डालेंगे और मिला लेंगे। और जिस पानी में हमने सब्जियों को उबाला था उस पानी को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको भाजी की कंसिस्टेंसी पतली चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड करें। दोस्तों, ग्रेवी जैसी भाजी मुझे पसंद नहीं है। भाजी में कैप्सिकम, मटर
और सब्जियों का क्रंच होना चाहिए। और फ्लेवर के लिए डालेंगे ये 1 टीस्पून गरम मसाला, भाजी पाव का गरम मसाला, और उसके साथ साथ किचन किंग मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। मसालों का ये कॉम्बिनेशन आपके भाजी पाव को असली स्वाद देगा, आप इसे जरूर ट्राई करें। मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, और अब बारी है भाजी को चखने की। उसे चख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। नमक थोड़ा सा कम था, डाल दिया। और आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर फिर से मिक्स कर लेंगे। देवियों और सज्जनों, ये भाजी थोड़ी सी स्पाइसी है, टमाटर की हल्की सी खटास है, कैप्सिकम और मटर का क्रंच है, और गरम मसालों की खुशबू। बहुत ही लाजवाब बनी है हमारी भाजी पाव। अब बटर पाव के लिए बटर लेंगे और इस बटर में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च को डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, और इस लादी पाव को अंदर से और बाहर से बटर लगाकर गर्मा गर्म भाजी के साथ गर्मा गर्म बटर पाव सर्व करेंगे। दोस्तों, आप इस भाजी पाव को पापड़, छाछ और बारीक कटा हुआ प्याज के साथ एंजॉय करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। नमस्कार।